फिशिंग विद एग्स। रंजित नाम का व्यक्ति मछली पकड़ने में बहुत माहिर था। जब वो मछली पकड़ने जाता था तो लोग उस पर बेटिंग लगाते थे। रे, आज अपना रंजित मछली पकड़ने जा रहा है, वो कम से कम एक नाव भर के मछली पकड़ेगा, ये लो मेरा बेट 1,00,000 का है। वो एक नहीं बल्कि 2 नाव भर के मछली पकड़ के आएगा, शर्त है ये लो 2,00,000। ऐसे एक से बढ़कर एक रंजित पर बेटिंग लगाते थे। रंजित के फ्रेंड रंगूलाल को उनके बेटिंग के बारे में पता चल गया। वो एक दिन रंजित के पास जाकर, मैं तुम्हारे पकड़े हुए मछलियों से ज्यादा तुम पर लगाए बेटिंग की कीमत बहुत ज्यादा है, ये देखो आज तुम्हारे ऊपर लगाए गए बेटिंग की कीमत, तुम एक नाव भर के मछली लाओगे कहकर 1,00,000 रुपए की बेटिंग लगाए हैं और दूसरे ने 2,00,000 की बेटिंग लगाया, हम इनका क्या करें? क्या रे, हम पर इतने पैसों की बेटिंग लगा रहे हैं तो हमें क्या फायदा? तुम जाकर एक काम करो, किसी एक व्यक्ति से कह के आज रंजित एक भी मछली नहीं पकड़ेगा यूं कह के बेटिंग लगाने के लिए कहो, बेट 5,00,000 का है कहना। ये क्या रे, तुम एक भी मछली नहीं पकड़ोगे, ऐसा कभी हुआ क्या? इसके बारे में बाद में बोलूंगा, तुम जाकर बेट लगाने के लिए कहो। ऐसे कहते ही रंगूलाल रास्ते पे चलते एक भिखारी को बुलाकर, रे बूढ़े, हर दिन भीख मांगने पर तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 200 आते हैं। मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, जाकर वो देख रहे हो ना, वो देख रहे हो ना, उनसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे शर्त लगाओ, रंजित आज एक भी मछली नहीं पकड़ेगा और मेरी शर्त 5,00,000 है, ऐसा कहो, कहकर पैसे से भरे एक थैले को दिया। ठीक है, कहकर उनके पास जाकर, भाई साहब यहाँ रंजित के नाम पे शर्त लगाते हैं ना, ऐसे मैंने सुना है, ये लो मैं भी शर्त लगा रहा हूँ। तब वहाँ रहने वाले लोग उसे देखकर हंसने लगे, रे बूढ़े यहाँ 10-20 रुपए की बेटिंग नहीं होती है, 1,00,000-2,00,000 की बेटिंग लगाते हैं हम, ये तुम्हारी रेंज की बात नहीं है, पहले यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा पैसों से शर्त लगाते हैं, इसीलिए मैं भी ये देखो 1,00,000 की शर्त लगाने आया हूँ, मेरा शर्त 5,00,000 का है। क्या 5,00,000? उतने पैसे? सच है क्या, तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? कभी उतने पैसे देखे भी हो क्या? ये देखिए, कहकर वो थैला खोलकर दिखाया, बस वहाँ रहने वाले सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। बाप रे, ये मामूली व्यक्ति नहीं है, भिखारी के बेस में खिलाड़ी लगता है। ठीक है, तुम्हारी शर्त क्या है बताओ? रंजित आज एक भी मछली नहीं पकड़ेगा, ये मेरा शर्त है 5,00,000 रुपए का। रे, आज इसके 5,00,000 तो गए, इससे पहले के सारे बेटिंग खत्म करके अब सिर्फ यही देखना है, अगर रंजित एक भी मछली लाया तो ये हम जीत जाएंगे और आपस में बांट लेंगे। कहकर उसके प्रतियोगी बालाजी को बुलाकर, रे तुम पे मैं और मुझ पे तुम शर्त लगाना मामूली बात है, आज हम दोनों मिलकर उस बूढ़े के ऊपर 5,00,000 का शर्त लगाएंगे। ठीक है मिश्रा? रे हम दोनों मिलकर शर्त लगा रहे हैं, हमारा शर्त 5,00,000 रुपए का है। तब रंजित मछली पकड़ने गया, रंगूलाल जैसे कहा ठीक वैसे ही शाम को खाली हाथ लौटा, एक भी मछली नहीं पकड़ा। वो देखकर मिश्रा, ये क्या रंजित आज एक भी मछली नहीं पकड़े हो? मछली नहीं मिली मिश्रा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रे भाई, तुम पर भरोसा करके हमने 5,00,000 रुपए शर्त लगाया है, आज हमें तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा क्या, हर दिन मुझ पर शर्त लगाकर कमाए पैसे कभी आपने मुझे दिया क्या? चलिए हटिए, कहकर उनसे छुपकर एक जगह पर रंगूलाल से मिला। क्यों रे, कैसा है मेरा आइडिया? सुपर रे, आज हमारी कमाई 5,00,000। ठीक है, वो भिखारी को 10,000 दे के भिजाना। उतने पैसे क्यों? हमने उसे 1,000 देने की ही बात की ना। कुछ नहीं होगा रे, उसे पैसे दे दो। रंगूलाल उस भिखारी को 10,000 देकर भिजाया। उसके बाद मिश्रा बालाजी को रंजित रंगूलाल से मिलकर उन दोनों को धोखा दिया है, यह बात उन्हें पता चला। उसके बाद से रंजित को एक भी मछली नहीं मिली, खाली नाव में जाता था और खाली नाव में ही लौट कर आता था। वो देखकर रंगूलाल, क्या रे आज भी खाली नाव पे आए हो? हमने किसी से भी शर्त नहीं लगाए ना। रे हमने उन्हें धोखा दिया है ना, इसीलिए शायद मुझे मछली नहीं मिल रहे हैं। रे ऐसा कुछ नहीं है रे, कल जरूर तुम्हें मछली मिलेंगे, ऐसे उसे भरोसा देकर भिजाया। अगले दिन मछली नहीं मिले, वो फिर खाली नाव के साथ ही लौट आया।
किसी को धोखा दिया तो यही अंजाम होगा, तुम्हें मछली नहीं मिलेंगे, ये मेरा श्राप है। तब वहां से रंजीत उदास होते हुए जा रहा था, उन्हें भिखारी ने देखा। और कुछ काम है तो बोलिए जी, मैं करूंगा। रे बुड्ढे, आज से मछली पकाना छोड़ रहा हूँ, एक भी मछली नहीं मिली, ये सब मेरे कर्म है। भिखारी एक अंडा उन्हें देते हुए, आज ये अंडे को लेकर मछली पकड़ने जाइए, आपको 10 नाव भर के मछली मिलेंगे, ये अंडे को आप चारे की तरह इस्तेमाल कीजिए, आपको मछलियां ही मछलियां मिलेंगे। उसके बातें सुनकर मछली पकड़ने निकले रंजीत को देखकर हंसते हुए मिश्रा, क्यों रे आज भी खाली हाथ आओगे, ऐसा लग रहा है, जाइए जाइए, खाली हाथों से जाइए, खाली हाथों से आइए, मेरा शर्त 15 लाख का है, कहते हुए हंसने लगा। मगर रंजीत खामोशी से वो अंडे को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला गया। वो अंडे को बांसी को लगाकर पानी में डाल दिया, बस उतना ही, बहुत सारे मछलियां उसे खाने के लिए आए, एक नहीं दो नहीं पूरे 4 नाव भर के मछलियां रंजीत को मिली। उसे लाकर रंजीत, रे रंगूलाल, ये अंडे की मदद से हम बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हैं रे, देखो कितने मछलियां गिरी हैं, अंडे से मछली पकड़ा, क्या मस्त बात है रे, कहकर उसे दिखाकर वो मछलियों को मार्केट में बेचकर खुशी से रहने लगा। पैराशूट बर्गर। विश्वजीत नाम का बेकरी व्यापारी वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर तैयार करने के लिए सोच रहा था। उसके पास काम करने वाले बावची और मोटे मुन्ना को बुलाकर, रे मुन्ना, मैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर को तैयार करना चाहता हूँ, तैयार करके वर्ल्ड फेमस बन जाऊंगा। फिर देरी किस बात की, तैयार कर दीजिए ना, एक ट्रक भर के आटा, ऑनियंस, टमाटोज, रेड चिलीज, वो सब मिलाकर तैयार कीजिए। रे ये सब कुछ मैं अकेला कैसा कर सकता हूँ रे, वो सब खरीदने के पैसे तो मेरे पास है, मगर उसे बनाने के लिए तुम्हारे जैसे मेहनती बावर्ची की भी जरूरत है ना। अगर ऐसी बात है तो आपको मैं करना चाहता हूँ कहकर नहीं बोलना चाहिए, हम सब मिलकर करेंगे ऐसा कहना चाहिए, सबका साथ रहना चाहिए, तभी ये काम कर पाएंगे, आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैंने गलती से ऐसा कह दिया, अब भाषण मत दो, हम सब मिलकर वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर तैयार करेंगे। ठीक है, मैं रेडी हूँ। तब विश्वजीत ट्रक भरकर आटा, टोमेटोस, ऑनियंस, रेड चिलीज, ऐसे सब कुछ मंगवा कर मुन्ना को सौंप दिया। मुन्ना और बावर्ची मिलकर बड़ा बर्गर बनाए और नीचे एक बेसमेंट भी बनाया, एक और लेयर क्रीम भी डाले, सीढ़ी छेड़कर ऑनियंस उसके ऊपर सजा रहे थे, टोमेटोस भी डाल रहे, रेड चिलीज भी लेकर उस पर डाल रहे, और उसके बाद बर्गर के ऊपर के टॉपिंग बन को कैसे लगाए ये समझ नहीं आ रहा था। विश्वजीत जी, हमने बर्गर का बॉटम तो तैयार कर लिया है, लेकिन ऊपर टॉपिंग के लिए एक और बन लगाना है, कैसे करेंगे? एक काम करेंगे, हम क्रेन ऑपरेटर कुवारा कन्हैया है ना, उसके पास जाएंगे, उसके क्रेन की मदद से ये बर्गर टॉप बन को धीरे धीरे से बर्गर के ऊपर लगा देंगे। सुपर आइडिया जी, देर किस बात की, अभी उसके पास जाइए। वो कुवारा कन्हैया बहुत सर फिरा था, विश्वजीत उसके पास गया। कुवारा कन्हैया, तुम्हारी जरूरत पड़ी है, हमने वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर बनाया है, उसके ऊपर बन लगाने के लिए तुम्हारी क्रेन की जरूरत है, आकर क्रेन से वो बन को टॉपिंग करो ना। जरूर लगाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें 10 लाख देना पड़ेगा। कहते ही आश्चर्य होकर, क्या कह रहे हो तुम, एक छोटे से काम के लिए 10 लाख लोगे? इतनी लालच अच्छा नहीं है। देखिए, आप वर्ल्ड फेमस काम कर रहे हैं, तो उसकी मदद मेरी क्रेन और मैं कर रहे हैं, उसके लिए पैसे लेने वाले हम भी वर्ल्ड फेमस होना चाहिए ना। ये तो बहुत सरफिरा है, सोचकर मैं 10 लाख नहीं दे सकता, मगर सिर्फ 1 लाख दूंगा, बात को बिना बढ़ाए जल्दी आकर काम शुरू करो ना। ठीक है, आप मेरे पहचान के हैं, आपके लिए मैं ये काम करता हूँ, मगर मेरी एक कंडीशन है, वो बर्गर बनाने वाला मुन्ना है ना, उसको आप काम से निकाल देना होगा, क्योंकि उसकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक दिन मैं आपके बेकरी के पास आकर स्वीट खाने के लिए पूछा, तो उसने खत्म हो गए कहा, तब मैंने मजाक करते हुए, खत्म हो गए या तुम ही सब कारे हो कि इतने मोटे हो गए हो कहा, तब उसने सबके सामने मुझे बहुत गाली दी, इसलिए तुम उसे काम से निकालने के बाद ही मैं तुम्हारी बर्गर को वर्ल्ड फेमस बर्गर बनाऊंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, आपकी मर्जी, सोच लो। कहते ही विश्वजीत कुछ बात करे बिना ही उदास होकर लौट आया। विश्वजीत को उदास रहते देख के मुन्ना, क्या हुआ जी, वो काम करने के लिए राजी हुआ क्या? वैसे भी वो बड़ा सरफिरा है,
गांव में सिर्फ उसके पास ही क्रेन है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पैसे मांगता है। हाँ रे, उसने 10 लाख पूछा है, मैं 1 लाख देने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो तुम्हें काम से निकालने का कंडीशन लगा रहा था, वो मुझे पसंद नहीं था इसीलिए वापस आ गया। अब क्या कर सकते हैं? कहते ही मुन्ना खामोश होकर वहाँ से चला जा रहा था। वो देखकर, रे मुन्ना रुक रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्गर तैयार करने में मेरी कितनी मदद की है मुझे पता है, अब कोई सरफिर आदमी बंड लगाने में हमारी मदद नहीं कर रहा है कहकर तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, उस बन को कैसे ऊपर लगाना है मैं सोचता हूँ। मेरी खामोशी आपको ऐसे समझ में आई क्या? मैं अपने नौकरी को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूँ, वो बन को मैं अकेला ही ऊपर लगाऊंगा, आप देखते रहिए। कैसे लगाओगे रे तुम? आकर देखिए, कहकर विश्वजीत को साथ लेकर कुवारा कन्हैया के पास ले गया। उन्हें देखते ही कन्हैया, क्या हुआ जी, ये मोटा मुन्ना को साथ लाए हो, अब इससे सारी कहलाओगे क्या? तब मैं काम करूंगा सोच रहे हो? नो, नेवर। तुमने मेरा मजाक उड़ाया और मैंने तुम्हें गाली दिया, बस बात वही खत्म हुआ। और अब तुम्हारी जरूरत पड़कर तुम्हारे पास मेरे बॉस आए तो बकवास कंडीशन लगा रहे हो, इसे बनाने में मेरे बॉस कितना मेहनत कर रहे हैं मुझे पता है, सिर्फ तुम और तुम्हारे क्रेन की मदद से ही हम वो बन को बर्गर के ऊपर लगा सकते हैं सोच रहे हो क्या? देखते रहो, मैं अकेला ही वो बन को बर्गर के ऊपर लगाऊंगा। कुवारा कन्हैया हंसते हुए, क्या रे, तुम अकेले ही बन को बर्गर के ऊपर लगाओगे क्या? ठीक है, मेरा चैलेंज है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मेरी आधी मूंछ काट दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम आधी मूंछ निकालने के लिए रेडी रहो। कहकर निकलते ही विश्वजीत, रे तुम क्या रे, बड़े खिलाड़ी की तरह उसे चैलेंज करके आ रहे हो, अब क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी इज्जत तो चली जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप जाके बर्गर के पास रहिए, जाइए। पता नहीं ये क्या करेगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहकर बर्गर के पास वेट करने लगा। मुन्ना एक पैराशूट बर्गर के साथ सीधे वो बर्गर के ऊपर लैंड हुआ। वो देखकर लोग चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। तालियां मारते हुए विश्वजीत, रे मुन्ना तुमने ये पैराशूट बर्गर कब तैयार की? आपने जिस दिन बिगेस्ट बर्गर का आइडिया सुनाया था उसी दिन से बर्गर के टॉप को कैसे लगाएंगे ये सोच में पड़ गया था, तभी मुझे ये पैराशूट बर्गर का आइडिया आया है। इसे मैंने अपने बेकरी के छत पर ही तैयार किया है, मगर इसे पहनकर कूदने में मुझे बहुत डर लग रहा था, वो कुवारा कन्हैया के चैलेंज के वजह से मेरा खून खोला और मैं ये पहनकर कूद गया। रे तुम सुपर हो रे, तुम्हारी वजह से हमारी बिगेस्ट बर्गर बहुत फेमस हो गई रे, लेकिन लोग तुम्हारे पैराशूट के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे हैं। रे चलो वो कुवारा कन्हैया की आधी मूंछ को काटते हैं। कहकर कुवारा कन्हैया की आधी मूंछ को काट दिए। दुनिया भर में इनके बनाए गए बिगेस्ट बर्गर के बारे में और बर्गर पैराशूट के बारे में बहुत चर्चा होने लगी। विश्वजीत और मुन्ना दोनों बहुत फेमस हो गए।